हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुबल चुगताई व्लॉग्स। ये जो हम व्लॉग करने लगे हैं ये है एक्सपो का, ठीक है। थोड़ा डिले हो गया बट आई एम सॉरी इसके लिए। इसलिए डिले हो गया मैंने अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से। तो ये जो कैंटवी में फर्नीचर का एक्सपो लगा था ये उसका है, तो मैं नहीं जा सकी। तो मैं मुझे इतना कोई वो नहीं रहा, पर मैं लास्ट डे गई थी, थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस था, बट जितना भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए पहले देखते हैं फिर बाकी बातें बाद में। नो डाउट फर्नीचर काफ़ी अच्छी वैरायटी का आया हुआ था, अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा ब्रांड आया हुआ था, और लोकल भी शॉप वालों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। कैंट व्यू के जो दोनों मतलब हॉल्स हैं वो फुल थे। तो फर्नीचर तो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत अच्छा आया था, और आधे से आधा फर्नीचर सेल हो चुका हुआ था ऑलरेडी। आप ये सोफ़ा चेक करें, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी क्वालिटी सीरियसली एक्सीलेंट थी। इनसे चेयर्स का पूछ ले। वालेकुम सलाम, थैंक यू। कितनी 46-47% तो स्टार्टिंग प्राइस क्या है आपकी? 1,49,000 स्टार्टिंग प्राइस है, लेकिन हम 10,000 पे बुकिंग इनवॉइस बना रहे हैं बस। अच्छा, बाकी पेमेंट आपके घर पे डिलीवर होगी। चेयर तो आपने क्या सब एक ही वो हैं सारे? नहीं नहीं, इसकी 149 है, इसकी 189 है, वो 295 है, वो 440 है, वो 6,50,000। अच्छा, मिनिमम किधर से आपकी स्टार्ट हो रही है? 1,49,000। ओके, तो वीलॉग में आने से कोई इश्यू तो नहीं है? थैंक यू। तो इसकी क्या प्राइस है आपकी? ये भी 1,89,000। तो डिस्काउंट भी आप क्या दे रहे हैं इधर? ये सिर्फ एक्सपो के 3,19,000 इसकी एक्चुअल प्राइस है, डिस्काउंटेड अमाउंट है 1,89,000। ओके, आपने डिस्काउंट के साथ लगाई हुई है? तो डिस्काउंटेड प्राइस ही बता जी। बहुत अच्छा है, कैसे हैं आप? ठीक है। मेट्रो से पुराना मेट्रो का साइज है, ये भी हमारी प्रमोशन के अंदर चल रहा है। 27,000 में ये भी बाय वन गेट वन फ्री है। 26 कब तक है ये टाइम आपका? आज लास्ट डे है, आज है, उसके बाद अगर कॉल करके ऑर्डर कोई भी करना चाहे हमारा पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइस खाना के नाम से। ठीक है, आप मुझे पूरी डिटेल्स बता दें। व्हाट्सएप के ऊपर हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0333-423-1485, या इंस्टाग्राम में फेसबुक पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आराइश खाना के नाम से। आराइश खाना, तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? और जो इस रेफरेंस से आएंगे उसको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। चलो जी। वैसे तो ये हर बार करते रहते हैं कैंट व्यू वाले, ठीक है। आई थिंक 6 मंथ्स में एक दफ़ा तो होती रहती है एग्जीबिशन, बट इस तरह जो इस दफ़ा का उनका रहा है ना, जो मेरी उनसे बातचीत हुई जिन शॉप्स वालों से कहीं से, क्योंकि वो क्लोज़ हो चुके थे तो फिर वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, तो इस बार उनको बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिला। हर टाइम की मतलब लास्ट टाइम की दफ़ा से ज़्यादा मिला, जबकि एक और जगह पे भी लगा हुआ था एक्सपो, तो वहाँ 4 डेज़ का था, बट वहाँ इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला फर्नीचर वालों को। फर्नीचर नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए थे, और डिस्काउंट
मैं 10% से लेके कुछ शॉप वाले तो ऐसे थे जो 70% तक देते, अप टू 70% तक। मुझे एक सोफ़ा सेट बहुत अच्छा लगा था, वो एल शेप का था और मतलब उसकी सीट्स काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी जो टेबल की वो डिज़ाइन मुझे तकरीबन 80% हर शॉप वाले के बहुत अच्छे लगे हैं। मिनिमम कुछ ऐसी शॉप्स थी जिनके मतलब मुझे नहीं आए। एक मुझे फर्नीचर अच्छा लगा था, बेड सेट, तो मैं अपने लिए पर्सनली लेना चाह रही थी बट उनके पास वो ख़त्म हो चुका हुआ था। खैर फिर हमने कहीं और से ले ही लिया था। तो बताने का मकसद ये होता है कि इस तरह के एग्जीबिशंस होने चाहिए। आई थिंक एक तो कस्टमर्स को, एक तो मतलब पब्लिक को एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया मिलता है, ठीक है। लोग इधर उधर जाने की बजाय अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं क्योंकि घर की प्रोडक्ट्स हैं, तो फैमिली के साथ उनको आउटिंग करने का एक चांस मिलता है। सेकेंड कि आपको बहुत सी वैरायटी एक छत के नीचे देखने को मिलती है। बहुत से ब्रांड्स आए हुए थे, लाहौर से आए हुए थे, कराची से आए हुए थे। तो इसमें ये होता है कि आप, मुझे ऐसा ना मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है और इस दफ़ा रश भी काफ़ी ज़्यादा था और मैंने वहाँ से मतलब एक ही शॉप ओपन थी और ज़्यादा उनकी वैरायटी कोई नहीं थी बची हुई। तो मुझे बीन बैग्स पर्सनली बहुत पसंद थे, मतलब मेरी एक थी विश लेने की, तो वो एक मैंने तो पूरा कर ही लिया था। तो उनका मैं आपको पूरा एड्रेस मेंशन कर दूंगी और जितने दिन का मेरा बीन बैग्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ थी, ठीक है। बच्चों के लिए मिनी थे, मिनी में भी बच्चों के लिए अच्छे होंगे, बट जो उनके पास ये फ्री साइज़ के थे ना, ये आप देख सकते हैं ये फ्री साइज़ के हैं और बहुत कलर कॉम्बिनेशन थे, मैंने उनके देखे थे बट वो सेल हो चुके थे सारे, उनके बुक थे। जैसे नेस्कैफे का हो गया, एक ये है, ये सीट बनी हुई है, ठीक है। और इसी तरह मेरे पास चार और मैं लेके आई हूँ, पांच तो फुटबॉल वाले हैं कुछ मतलब बने हुए, और आप इनसे कस्टमाइज भी आप करवा सकते हैं। एक तो इतना कि सेलमैन, आप कस्टमर जाते हैं बट उनकी जो उन्होंने हम्बलनेस के साथ आई थिंक सो, आप अगर कहेंगे उनको बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। अभी तो ख़त्म हो गया तब उनका डिस्काउंट चल रहा था, बट आई थिंक अगर आप उनसे कहेंगे प्रोडक्ट, वो लाहौर से आए थे बाय द वे, वो आपको अगर सियालकोट से आपने मंगवाने हैं कहीं और से मंगवाने हैं, आप उनको कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। और कस्टमाइज भी है उनके पास, मतलब वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, ह्यूज वैरायटी थी रग्स की, कारपेट की, बीन बैग्स की, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बीन बैग्स है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे आई थिंक लगता है फ्री साइज़ वाला मैं इसको दूंगी 9 out of 10। उसका पर्सनल रीज़न ये है कि जो फ्री साइज़ वाला बीन बैग होता है ना, मुझे ऐसा लगा है क्योंकि मैं 10-12 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मतलब 10-12 दिन से बीन बैग यूज़ कर रही हूँ और मुझे जो इस चीज़ का ये ना फ्री साइज़ वाले का क्या बेनिफिट लगा है कि आप कि मतलब बॉडी शेप के लिहाज से उस टाइम पे ये मतलब वो हो जाएगा ना, इसकी पोजीशन हो जाएगी या इसके पोस्चर हो जाएगा, जो भी वट एवर। तो और जो ये सीट्स बनी है ये भी अच्छी है, नो डाउट, मज़े की है, बट इतनी वो कंफर्टेबल नहीं है जो फ्री साइज़ है, ठीक है। और फिर एक उनका और डिज़ाइन था, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो 5 out of 10 है। बट जो ये है ना मुझे बीन बैग का, ये मुझे फुल 9 out of 10 लगा है। और बट ये कि कलर उस टाइम ख़त्म हो चुके हुए थे, ये इशू है, बट अदरवाइज 10 out of 10 है। कलर का वो मेरी लापरवाही है कि मैं काफ़ी लेट गई हूँ, बट वो नो डाउट काफ़ी अच्छा था। और जो ये सीट वाले हैं इसके मतलब 7 out of 10 है ये भी कंफर्टेबल है, बट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ये है फ्री साइज़ वाला है, क्योंकि वो जब आप बैठते हैं ना वो उस शेप पे हो जाता है। उनके पास आई थिंक छोटे वो जो स्टूल्स हैं वो भी थे, मैंने देखे थे बट मैंने पूछा नहीं है। तो मैं उनका सारा नंबर सब उन्होंने मेंशन किया हुआ, आप जो भी कॉल करके मंगवाना चाहे मंगवा सकता है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये बीन बैग्स के, आप कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं अपने बेडरूम में या मतलब इस तरह रख सकते हैं बच्चों के लिए के, और खुद के लिए भी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि बैक पेन का थोड़ा सा मतलब मुझे
मतलब चेयर्स में आप अनकम्फर्टेबली बैठ जाते हैं, बीन बैग्स में आप थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब आप अपनी पोजीशन अपने लिहाज कर सकते हैं। खैर आपको कैसा लगे आप बताइए, क्या मैं डिले हो गई हूँ, लेट हो गई थी, उसके लिए मैं माजरत हूँ, ठीक है। तो बट खैर आप जाएं खुद भी लें, मतलब ये आप तो कॉल पे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं ये चीज़ें। और जो वैसे एक्सपो है वो आई थिंक लगेगी या गेल लगेगी, और खैर जाएं आप भी और अपनी फैमिली के साथ डिस्काउंट अवेल करें। नॉर्मली डिस्काउंट नहीं मिलता इतना, बट वहाँ डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है एक्सपो पे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुद भी होश रहे और बाकियों को भी होश रहने दें। और ये जो थिंकिंग है ना कि आप दूसरों को टॉर्चर करके, मतलब ज़बरदस्ती कोई किसी से अगर बात करना चाहे तो ये चीज़ छोड़ दे काइंडली, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब सिर्फ इसलिए आपसे कांटेक्ट करना चाहते होते हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ जिनको लगता है कि ये बातचीत करें, या बहुत से ऐसे हैं उनके फैमिली मेम्बर ये बातचीत करेंगे हमसे तो हमें बेनिफिट होगा। बेनिफिट के लिए कोई भी रिश्ता मत अपनाए, या रखें रिश्ते दिल से होते हैं, रिश्ते वैल्यू से होते हैं, रिश्ते आप जिनको मानते हो, ज़रूरी नहीं है उनके रिश्ते भी रिश्ते हों, आप मतलब इंसानियत के भी होते हैं, बट वो रिश्तों में कितना मतलब ईमानदारी या इंसाफ है और कितनी ऑनेस्टी के साथ आप लेके चल रहे हैं। खैर ये टॉपिक तो चलता ही रहेगा, ये छोटी छोटी टिप्पणियाँ तो चलती रहती हैं ना यार, लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आप बोलते तो हैं ही ना, शेयर करते किसी ना किसी तरह, तो टॉन्ट मार के शेयर कर लेना चाहिए। तो काइंडली मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि रिश्तों को मतलब के लिए यूज़ मत किया करें, ठीक है। पैसा आ जाता है बट रिलेशनशिप्स नहीं आती हैं, उनकी वैल्यू करें, मेहरबानी है। और अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो काइंडली उनको टॉर्चर मत किया करें, किसी को भी। मेरा मानना है कि आपके अपने घर भी मतलब सब रिलेशनशिप्स होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, समझ आए, समझने वालों को इशारा काफ़ी है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जिनको मैं बताना चाह रही हूँ आई थिंक वो समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें और मत टॉर्चर करें, मेहरबानी है। अपने घर में भी बहन बेटी है, मक्का फाते अमल हो ही जाता है कभी ना कभी, अल्लाह सब देखता है, बेहतर इंसाफ करने वाले। कीप स्माइलिंग, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करके आगे बढ़ें। इंशाल्लाह खुद मेहनत करेंगे तो आपको भी फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। किसी और से जैलिस होना छोड़ दे और किसी और की मेहनत की कमाई के ऊपर नज़र रखना छोड़ दे, अपनी मेहनत के ऊपर नज़र रखेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा और ज़रूर अल्लाह ताला आपका साथ देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।